देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखनी हो या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पिछले कई साल से दुनिया भर की ताकतवर सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। डिफेंस की इस ड्रोन क्रांति ने रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदल कर रख दिया है। इस बदलाव ने यह साफ संकेत दिया है कि 21वीं सदी की लड़ाइयां इन अनमैन्ड आर्म्स व्हीकल्स यानी कि मानव रहित विमानों के बूते लड़ी जाएंगी। पिछले 10 सालों में दुनिया भर में इनका उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई नारगोनो कराबाख संघर्ष के दौरान इसकी बानगी दिखाई दी थी। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन के तांडव का नजारा दुनिया भर ने देखा। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत की यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। वैसे आपको बता दें कि भारत में काफी समय से प्रभावी कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास भी चल रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी साल जुलाई में डीआरडीओ ने पहली बार AFWTD यानी कि ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को उड़ाया था। ये भारत का स्टेल ड्रोन है जिसे घातक नाम दिया गया है। ये उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मौजूद एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई थी। अमेरिका के B-2 बमवर्षक की तरह दिखने वाला विमान पूरी तरीके से स्वचालित था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया, सटीकता के साथ नेविगेट करते हुए उड़ान भरी और आसानी से लैंडिंग की। चित्रदुर्ग में किया गया परीक्षण यूएवी निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में एक बड़ा कदम है। ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत के ड्रोन बेड़े में रुस्तम, तपस, प्रीडेटर ड्रोन के साथ स्टेल्थ ड्रोन घातक भी शामिल हो जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में पहली बार आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के दौरान किया गया। अमेरिका ने भी ईरान में, इराक में और अफगानिस्तान में तालिबान ठिकानों को नष्ट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी किया। अब रूस तथा यूक्रेन के युद्ध में उभय पक्ष ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत के पास भी बहुत जल्दी ही भारत में निर्मित तपस ड्रोन तथा अमरीका से आयातित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन होगा, यानी भारत भी बहुत जल्दी दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से होगा जिसके पास समुद्र के ऊपर निगरानी रखने के लिए और हिमालय की चोटियों पर चीन की फौजों के ऊपर क्षति पहुंचाने के लिए हमारा अपना ड्रोन होगा। इससे भारत की फौजों की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत में निर्मित ड्रोन या अमेरिका से लाए गए ड्रोन एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अब अगर सब प्लान के मुताबिक चलता है तो भारतीय सेना 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से न केवल सीमाओं पर निगरानी करने लगेगी बल्कि इनकी मदद से आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में भी सक्षम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।